Welcome to Al Hadi Foundation School. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमें रिपीट करते हैं कि मॉलिक्यूल होता क्या है। हमने पीछे पढ़ा है कि जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, या दो एक जैसे सेम एटम्स, या फिर दो मुख्तलिफ एटम। जैसे कि अगर H2 का मॉलिक्यूल है तो उसमें दो हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं और एक H2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और इसी तरह अगर हम डिफरेंट एटम्स की बात करें तो एक सोडियम दूसरे Cl के साथ कंबाइन करता है और एक सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बनाता है। इन इसी तरह से एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अब हम देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल की कितनी कितनी टाइप होती हैं, मॉलिक्यूल्स किस कितनी टाइप्स में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सिर्फ एक एटम पे कंसिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम गैस, जो कि हीलियम गैस, नियोन, आर्गोन, यानी के तमाम नोबल गैसेस जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, ये तमाम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। दूसरे टाइप अगर हम देखें तो दूसरी टाइप कहलाती है डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। डाय मींस टू, डायटॉमिक्स टू एटम्स। डायटॉमिक में दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, जैसे कि अभी हमने पिछली एग्जांपल में देखा था दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हुए H2, दो सेम एटम्स। लेकिन NaCl भी एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें दो एटम्स, एक सोडियम और एक क्लोरीन आपस में कंबाइन हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास आ जाता है HCl, जिसमें दो मुख्तलिफ एटम्स हैं लेकिन वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। तो जहाँ पे भी दो एटम्स, चाहे वो सिमिलर हैं चाहे वो डिफरेंट हैं, वो कंबाइन होंगे, वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ओके, तीसरी जो हमारे पास आती है इसकी टाइप वो आती है ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राई मींस थ्री। ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें तीन एटम्स होंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। इसी तरह वाटर जिसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये हमारे पास आ गए ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसी तरह हम अगली टाइप लेते हैं जो कि हमारे पास कहलाती है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली मींस मैनी। अब इसमें हमें नहीं पता होता कि कितने एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं, कितने जुड़ रहे हैं, जैसे कि ग्लूकोज C6 H12 O6। अब इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, O6 है। इसमें टोटल नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है, ये 3 से बहुत ज़्यादा चला गया, इसलिए हम इनको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में लेते हैं। इसी तरह CH4, इसको भी हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में लेते हैं क्योंकि इसमें नंबर जो है वो नहीं आ रहा होता, हमें नंबर का नहीं पता होता। इसी तरह H2SO4, CuSO4 वगैरह, ये सब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम मॉलिक्यूल्स को देखें तो मॉलिक्यूल्स की कुछ और टाइप्स भी होती हैं जिसको हम होमोटॉमिक मॉलिक्यूल या हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। होमोटॉमिक एंड हेटरोटॉमिक।
होमोटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अपनी कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं करते, वो थ्रू आउट सेम रहते हैं, उनमें नंबर ऑफ एटम्स, उनकी जो कंपोजिशन होती है वो सेम रहती है। जैसे कि हम ओजोन की बात करते हैं, O3, तो ओजोन हमेशा O3 ही होती है, वो अपना नंबर चेंज नहीं करती। सल्फर भी इंडिपेंडेंटली S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो चेंज नहीं होता। ये होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जिसमें नंबर सेम, जिसमें एक जैसे एटम्स सेम ही क्वांटिटी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब ओजोन में O3 है तो वो तीनों O ही हैं, इसमें सल्फर 8 तो उसमें सिर्फ S ही है, कोई और एटम उसके साथ नहीं कंबाइन हुआ। हेटरोटॉमिक में डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, लाइक CO2 जो कि एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसी तरह H2O ये भी एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन सेकंड टाइप पे है, ये एक हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल भी है। इसी तरह NH3 जो कि एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये दूसरी साइड पे हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल भी है। अब हम देखने जा रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। ग्राम एटॉमिक मास, सबसे पहले हम ग्राम एटॉमिक मास को देखेंगे। एटॉमिक मास को अगर हम रिवाइज करें पिछला, तो एटॉमिक मास क्या था? एटॉमिक मास हमारे पास सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट था, वो हमारे पास एटॉमिक मास था। लेकिन जब एटॉमिक मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, हम उसके साथ ग्राम लगा देते हैं, तो वो हमें ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखें तो वो है 1.008। अब इसके साथ हमने लगा दिया ग्राम, ये बन गया ग्राम एटॉमिक मास। ओके, जिसको हम ये चूंकि एक हाइड्रोजन का है, ये एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो उसका 1 मोल भी कहलाता है, ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन भी कहलाएगा। इसी तरह अगर हम एक कार्बन लेते हैं तो एक कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास 12 होता है, जिसके साथ हम ग्राम लगा दिया, ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, जिसको हम कह रहे हैं आल्सो 1 मोल ऑफ कार्बन, क्योंकि ये एक कार्बन का एटॉमिक मास है। अगर दो कार्बन का होगा तो हम उसके मोल्स चेंज हो जाएंगे। अब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने पिछले टॉपिक्स में किया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हमने फाइंड आउट किया था फॉर एग्जांपल वाटर का मॉलिक्यूलर मास, जो कि हमारे पास आया था 18। अब ये मॉलिक्यूलर मास जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है, एंड 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल। अब ये 1 मोल ऑफ वाटर है, 18 ग्राम इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर, क्योंकि ये एक वाटर मॉलिक्यूल का मोल है। इसी तरह अगर हम दो हाइड्रोजन लें तो इनका अगर हम फाइंड आउट करें मॉलिक्यूलर मास, तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 2.0 ग्राम, यानी कि 1 मोल ऑफ H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब अगर हम ग्राम फार्मूला मास देखें, तो जब फार्मूला मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला मास हमारे पास आया 58.5, तो उसको जब हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस किया तो ये ग्राम फार्मूला मास कहलाता है। इसी तरह ग्राम, जिस तरह ऊपर हर एक सिंगली का 1 मोल होता है, बिल्कुल इसी तरह 1 ग्राम फार्मूला ऑफ 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl।